दोस्तों आज हम होंडा शाइन बाइक का वायरिंग के बारे में समझेंगे। वायरिंग इसका किस तरीके से काम करता है, अगर हमारी बाइक स्टार्ट ना हो, हॉर्न नहीं बज रहा हो, करंट नहीं दे रहा हो या फिर बैटरी चार्जिंग की समस्या हो, इस तरीके से हम वायरिंग को कैसे चेक कर पाएंगे। तो चलिए आज हम पूरी तरीके से कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं कि इसका मैग्नेट क्वाइल से लेकर इग्निशन लॉक से लेकर CDI, इसका जो RR यूनिट होता है वो किस तरीके से काम करता है, पूरे वायरिंग का सप्लाई किस तरीके से दिया गया है, इनपुट आउटपुट वो सारी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। देखो तो शुरू करते हैं हम मैग्नेट क्वाइल से कि मैग्नेट क्वाइल में वायरिंग, ये देखिए मैग्नेट क्वाइल में दो, ये जो तार देख रहे हैं दो ग्रीन कलर का, ये अर्थ होता है, बॉडी अर्थ होता है, ग्राउंड, और ये जो वाइट कलर का देख रहे हैं ये करंट के लिए होता है, लाइटिंग। इसमें टोटल लाइटिंग कॉइल दिया गया है, इसमें चार्जिंग कॉइल नहीं है। एक ये लाइटिंग कॉइल जो होता है दोस्तों, इसी के द्वारा हमारी बाइक स्टार्ट भी होती है और बैटरी भी चार्ज होती है इसी तार से, और ये अर्थ हो गया। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पिकअप कॉइल का हो गया, और इनमें से जो आप दो तार देख रहे हैं ना, दो ग्रीन वायर, यहीं से क्या हुआ कि डायरेक्ट ये पिकअप कॉइल में गया एक तार, और एक तार इधर ऊपर चला गया, ठीक है, इस जगह से ज्वाइन कर दिया, बीच में कहीं भी जोड़ नहीं लगाया, बस इतना ही है। एक तार समझिए लाइटिंग कॉइल के लिए स्टार्टिंग के लिए, और एक अर्थ, और एक अर्थ जाता है पिकअप कॉइल में, और ठीक है। और ये वाला हो जाता है न्यूट्रल लाइट, ठीक है। तो आपने यहाँ के बारे में समझ लिया। अब देखिए बाइक अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें चेक करना होता है, लेकिन मैं आपको वायरिंग की कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। मैग्नेट कॉइल को चेक करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे तार अलग से लगाइए और बॉडी टच कीजिए, चिंगारी मारना चाहिए, ये ठीक है, चिंगारी मार रहा है तो मैग्नेट कॉइल सही है। अब लाइटिंग में या फिर स्टार्टिंग में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, ये इधर मैंने हटा दिया। यहाँ पे हम सेल्फ रिले का भी समझेंगे। सेल्फ रिले का यहाँ पे दो फ्यूज दिया गया है, एक सेल्फ रिले में दिया गया है और दिया गया है एक अलग से यहाँ पे बैटरी के पास। ये दोनों फ्यूज अगर शॉर्ट हो जाए तो इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी वो बताएंगे। और ये जो वायरिंग देख रहे हैं, एक वायरिंग ये मैग्नेट बैटरी से आया हुआ है, ये इधर इधर आया हुआ है, और फिर दूसरा वायरिंग ये जो देख रहे हैं ये चला गया है सेल्फ मोटर में। ये कैसे काम कर रहा है और वायरिंग किस, इसका फ्यूज किस तरीके से काम करता है, ये चारों वायर, ये जो चारों खुट्टी है इसका जो वायर देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे काम कर रहा है वो भी बताते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हम उसके बाद समझेंगे इग्निशन लॉक का, यहीं पे आपको समझना होगा। इग्निशन लॉक देखिए यहाँ पे दो वायर वाली होती है, दो वायर इग्निशन लॉक, ये इनपुट हो गया यानी कि ये बैटरी की तरफ से आता है, और ये आउटपुट हो गया, ये रेड में जो ब्लैक कलर का दिया गया है ये आउटपुट हो गया। जब भी हम चाबी को ऑन करेंगे तो इसका जो करंट होगा, इसका जो करंट होता है ये इसके तरफ सप्लाई कर देती है, और यहाँ पे रेड और ब्लैक जो देख रहे हैं, इसमें जो ब्लैक कलर दिया गया है, तो होंडा की बाइक में जब भी इग्निशन को ऑन करेंगे और बैटरी का कनेक्शन हम दूसरे चीज़ों के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ब्लैक कलर में ही जाएगा। इसका पूरा जो वर्किंग होता है, हॉर्न का, इंडिकेटर का, पासिंग लाइट का, क्लच स्विच का, ब्रेक का, ये सारा चीज़, इसका जो कनेक्शन होता है दोस्तों ये मतलब ब्लैक कलर से होता है, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। ब्लैक कलर वहाँ से कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में से भी अगर ब्लैक वायर कट गया है जो इग्निशन से यहाँ डायरेक्ट सप्लाई करती है तो वो भी ब्लैक में वह सप्लाई नहीं जाएगी, और आपका हॉर्न वगैरह टोटल कुछ भी काम नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद समझते हैं ये देखिए ये इग्निशन लॉक से जुड़ा हुआ है गाइस, समझ रहे हैं। इग्निशन जब हम ऑन करते हैं तो उसका कनेक्शन क्यों ये ऑन करता है, ठीक है, ये ब्लैक पे और ये रेड पे जो ब्लैक पट्टी देख रहे हैं, इस फ्यूज को अगर हम खोल देंगे तो वहाँ से लाइट चला जाता है। पहले मैं इसको लगा देता हूँ, आप यहाँ पे भी समझ जाइए कि अभी ये खुला हुआ है इससे भी लाइट नहीं जा रहा है, इसलिए कि इसका जो ये दो रेड वायर देख रहे हैं ये हटा हुआ है, ये दोनों रेड और वाइट में जो देख रहे हैं इसका कनेक्शन को छोड़ दिया है, इसी वजह से वहाँ तक लाइट नहीं जा रही है। अगर इनमें से ये वाला भी फ्यूज हो जाता ना
ये फ्यूज अगर शॉर्ट कर गया, इसको अगर हम निकाल देंगे तो उससे भी लाइट वहां तक नहीं जाएगी। अभी ये देखिए ये खुला हुआ है, अर्थिंग खुला हुआ है इसीलिए वहां तक लाइट नहीं जा रहा। इसको मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लाइट आ गया है, न्यूट्रल लाइट यहाँ पे जलने लगा है। जैसे मैं इस फ्यूज को खोल दूंगा तो ये न्यूट्रल लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए हॉर्न भी काम नहीं कर रहा है और सेल्फ भी काम नहीं कर रहा है। सेल्फ कर बैटरी लो है तो अभी सेल्फ काम नहीं करेगा। और जैसे इसको लगाते हैं तो ये काम करने लगता है। तो बाइक स्टार्ट करने के लिए सेल्फ के द्वारा ये लगाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे किक के द्वारा बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किक के द्वारा बाइक स्टार्ट हो जाती है, बस हॉर्न वगैरह सेल्फ वगैरह काम नहीं करेगा, वो सारा सप्लाई को बंद कर देगी सिर्फ। तो ये बैटरी के कनेक्शन को यहाँ से ऑन कर रहा है। अब देखिए रिले के बारे में हम समझते हैं, फिर हम यहाँ से जो कनेक्शन जाता है रेगुलेटर में वो आपको समझाएंगे। रिले में देखिए ये दो वायर दिया गया है, यहाँ देखा एक येलो में से रेड कलर है। तो ये जो होता है गाइस, ये होता है सेल्फ स्विच का। येलो वायर जो देख रहे हैं ये सेल्फ स्विच में जाता है, सेल्फ के स्विच से आता है। सेल्फ स्विच में देखना एक ब्लैक वायर होगा और ब्लैक वायर का जो कनेक्शन है वो इस वायर में देता है। जब हम सेल्फ बटन दबाते हैं तो ब्लैक का जो कनेक्शन है इस येलो वायर से जोड़ देता है। अगर सेल्फ स्विच खराब हो गया तो इसमें कनेक्शन नहीं दे पाएगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और इनमें से जो दो वायर देख रहे हैं ना, एक वायर आया हुआ है क्लच के स्विच से, जो हम लोग गियर में लगा के स्टार्ट करते हैं वो इससे काम करता है। ब्रांड वो इस अर्थ से कनेक्शन करता है, यानी कि इसको ये सिग्नल देता है कि अभी ये न्यूट्रल है और क्लच दबा के हम बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। ये न्यूट्रल का सिग्नल देता है इसलिए हम बाइक को गियर में भी स्टार्ट कर लेते हैं। और वही कनेक्शन है ये, अगर ये वाला तार टूट जाता है क्लच स्विच के बीच में से कहीं भी तार टूट गया तो गियर में आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो दो वायर देख रहे हैं ना, ये दो वायर का कनेक्शन इस फ्यूज से जुड़ा हुआ है। अगर ये फ्यूज शॉर्ट हो गया तो ये दोनों वायर को आपस में ऐसे टच नहीं कर पाएगा और वहाँ तक लाइट नहीं जा पाएगी और सेल्फ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी फ्यूज होना सही ज़रूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि चाबी को ऑफ भी करते हैं फिर भी सेल्फ मोटर चलता रहता है, रिले को ऐसे छोड़ नहीं पाता जो कि हमेशा सेल्फ चलते रहता है। ऐसे में हम ठोकते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सेल्फ रिले आपको बदलना चाहिए। तो आपने यहाँ का कनेक्शन समझ गया। अब आते हैं यहाँ पे हम सीडीआई के तरफ। हमने जो आपको मैग्नेट में दिखाया एक अर्थिंग और एक वाइट कलर का वायर, वो इस रेगुलेटर में आता है। रेगुलेटर में चार वायर दिया गया है। ठीक है, एक होता है उधर से जो वाइट कलर आता है मैग्नेट से वाइट कलर, दूसरा हो जाता है एक रेड कलर, तीसरा हो जाता है येलो कलर और चौथा हो जाता है एक अर्थ ग्रीन कलर। यहाँ पे मैंने सीडीआई बाहर निकाल दिया है और रेगुलेटर भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि रेगुलेटर में जो मैंने कलर बताया ये वाइट कलर है और ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर और ये येलो कलर है। तो वाइट कलर ये सीधा मैग्नेट से आता है इसके अंदर और यही, और साथ में ये एक ग्रीन कलर, ये दोनों इसके अंदर गया और इनपुट गया। अब आउटपुट दो वायर में आता है। ये जो वाइट कलर देख रहे हैं ना, ये चार्जिंग के लिए सप्लाई करेगा और साथ में सीडीआई को कनेक्ट करेगा, सीडीआई में लाइट देने के लिए। ठीक है, चार्जिंग के लिए और स्टार्टिंग के लिए यही एक वायर काम करेगा, रेड। और ये रेड में जो ब्लैक वायर दिया गया है और ये येलो जो देख रहे ना, ये लाइटिंग के लिए काम करेगा। ठीक है, लाइटिंग अगर चेक करना है, लाइटिंग अगर लाइट नहीं जल रहा है तो आप वहाँ आगे से भी वायर में चेक कर सकते हैं येलो वायर को, या फिर डायरेक्ट इस पर वायर लगा के बॉडी टच करेंगे तो पता चल जाएगा इस पर करंट नहीं आ रहा तो चार्जर ख़राब है। और अगर चार्जिंग के लिए चेक करना है, स्टार्टिंग के लिए चेक करना है, बैटरी चार्ज नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको चेक कीजिए यहाँ से। डायरेक्ट यहाँ से नहीं करते हैं, तो इसमें जो फ्यूज दिया गया है ये इस वाले में जो दिया गया है वाइट कलर का, ये देखिए यहाँ भी आया हुआ है ये इसका, अगर ये फ्यूज शॉर्ट कर जाता है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अगर आप इतना नहीं खोलते हैं। तो समझ लिया आपने, पीला तार लाइटिंग के लिए और लाल तार जो है ये चार्जिंग के लिए काम करेगा और साथ में सीडीआई को कनेक्ट करके रखता है। सीडीआई में देखिए कौन कौन सा वायर है, रेड और ब्लैक है ना, रेड ब्लैक ये स्टार्टिंग के लिए काम करेगा।
और ग्रीन हो गया अर्थिंग, और इसमें एक देख रहे हैं ब्लू में जो येलो कलर दिया गया है ये पिकअप कॉइल का है। पिकअप कॉइल अगर ख़राब हो जाता है तो उससे भी करंट सप्लाई नहीं करेगी, और साथ में एक वायर दिया गया इसमें ब्लैक पे येलो, ब्लैक पे येलो ये आउटपुट सप्लाई करेगा, इनपुट लेता है ये रेड वायर और आउटपुट सप्लाई करता है यहाँ पे, ये देखिए ये स्टार्टिंग के लिए काम करेगा, आउटपुट सप्लाई करेगा ये, ठीक है। अर्थिंग भी डायरेक्ट है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ना ये एक तरफ से दोस्तों ये पिकअप कॉइल का सिग्नल देता है, ये अर्थ नहीं हुआ, यहाँ अर्थ कलर में बदल दिया, ये जो है ना ये यही वायर का कनेक्शन वहाँ पे गया है पिकअप कॉइल का, अगर हम इसे भी खोल देंगे ना तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे दो वायर और जो देख रहे हैं ये वाला सॉकेट, ये सॉकेट चला जाता है आइडियल सेंसर के लिए, ये दो ये जो सॉकेट अगर हम खोल भी देंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोरेटर में जो आइडियल सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है इसी के लिए काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि ये वायर किस तरीके से काम करता है। क्लच स्विच जो आप देखेंगे यहाँ पे, क्लच स्विच बस इतना ही काम करता है कि क्लच दोनों अर्थ को ये सेल्फ रिले के अर्थ को आपस में कनेक्ट करता है, ताकि इसे पता चले कि ये न्यूट्रल हो गई है और बाइक स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से इसका वायरिंग काम करता है। अगर चार्जिंग में इश्यू आए तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, और मतलब स्टार्टिंग में अगर इश्यू आए तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी आपको हम यहाँ पे बहुत सारे वायर है, मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें बहुत सारे वायर है, देख सकते हैं आगे में, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिले दिया गया है, ये क्लच का रिले है, ये भी यहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि इसको आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। आप समझिए इसको इस न्यूट्रल से जोड़ रहा है, तभी गाड़ी हमारी गियर में स्टार्ट होती है क्लच के द्वारा।